गाइस, तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें स्टामिन, जो कि मैंने पहले से बना रखा है स्ट्रक्चर, स्टामिन जो कि आपने देखा होगा फ्लावर्स में, और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया भी है, लेकिन फिर भी सब बच्चों ने देखा होता है आई थिंक, ये कि ये जो फ्लावर्स में ये प्रेजेंट होता है और ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जहाँ पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, ये जो पार्ट होता है यहीं पर इस पार्ट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और इसे बोलते हैं एंथर। और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस जो अटैच होता है कहाँ पर, यहाँ पर अटैच होता है ये ओवरी, ठीक है, और ये थैलेमस पर अटैच होता है ये स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो मैं पहले ही क्लियर करवा चुकी हूँ, आज थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रही हूँ उसका। और इसे बोलते हैं फिलामेंट, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टम, जो कि मैं इससे प्रीवियस वीडियो में क्लियर करवा चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हो। स्टामिन के बारे में आज पूरा पढ़े, तो स्टामिन क्या है, स्टामिन में एक एंथर है और एक फिलामेंट है। हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टामिन के बारे में, क्योंकि आप लोगों को इतनी नॉलेज तो सबको होती है कि एक प्रोजनी को अगर प्रोड्यूस करना है, अगर एक इंडिविजुअल को जन्म देना है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सबको पता होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसे प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को अगर जन्म देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तब होता है जब वो दो गैमेट्स, दो, एक तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स अगर आपस में फ्यूज होके फिर एक इंडिविजुअल को जन्म देते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ ही तो यही रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर इज द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, फ्लावर, ओके। अगर फ्लावर को हटा लिया जाए तो जो बचता है वो क्या बचता है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स बचता है। तो फ्लावर हमारा कौन सा पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, ओके। तो फ्लावर में अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब आपको लग रहा होगा कि एक ही फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं क्या, तो हाँ, बायसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल फीमेल ऑर्गन अलग अलग फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हम बायसेक्सुअल फ्लावर पढ़ रहे हैं या हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेल गैमेट के बारे में कि मेल गैमेट कैसे प्रोड्यूस होगा फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर हमने देखा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंथर बोलते हैं, और वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है जिसे थैलेमस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट, और दोनों को मिला के बोलते हैं स्टामिन। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आप लोग नहीं होना, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं स्टामिन, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पार्ट है वो ही क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और ये जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में पूरा क्लियर करवा चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे स्टामिन के बारे में, स्टामिन क्या है ये बता दिया, स्टामिन के अंदर जाके देखते हैं कि कहाँ तो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि पोलन ग्रेन एंथर में बनेंगे, कैसे बनेंगे वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि जो एंथर है एंथर को ही अलग से बना के देखते हैं। एंथर ये देखो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एंथर। अगर हम इसको ऐसे काट दें, ओके, तो हमें क्या दिखाई देगा, तो देखो ये तो बहुत छोटा सा है, मान के चलो मैंने ये है एंथर और इसको ऐसे कट कर दिया तो हमें क्या दिखाई देगा, तो हमें कट करने के बाद में हम अगर यहाँ से देखें, जैसे मान के चलो ये कटा हुआ पोर्शन है, इसको कट कर दिया, कटा हुआ पोर्शन ये है, कट कर दिया, तो इस पोर्शन को अगर यहाँ से देखेंगे कटे
वाले पार्ट से देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। अब ट्रांसवर्स सेक्शनली अगर हम एंथर को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहां पर बनाती हूं आपके सामने। तो देखिए ये, अब देखो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब आप बोलेंगे देखो ये है कनेक्टिव, ये क्या है बच्चों, कनेक्टिव। कनेक्टिव का काम होता है, यानी देखो यहां थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये दो लोब्स प्रेजेंट है यहां पर, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है, दो लोब है ठीक है। दो लोब में, अब देखो लोब, लोब क्या होता है, मतलब कि एक दो पार्ट्स हैं ऐसा समझ सकते हो। आपने लिवर के बारे में पढ़ा हो, उसमें थ्री लोब्स होते हैं तो इसके भी दो पार्ट्स हैं। अगर जब दो पार्ट्स को अलग, मतलब जॉइंट किसने किया है, कनेक्टिव ने जॉइंट किया है, और दो लोब्स में कुछ कैविटी भरी हुई है, देखो एक लोब ये है और एक लोब ये है, तो इसमें कैविटी भरी हुई है, इसको क्या बोलेंगे, थीका। तो हम एंथर को डाइथीकस बोलेंगे, इस तरीके से हम एंथर को डाइथीकस बोलेंगे और बायलोब्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइथीकस और बायलोब्ड। ओके, तो ये है कनेक्टिव। अब पूछा जाए अगर कि ये दो लोब्स किस, मतलब किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं, तो कनेक्टिव से। ओके, और ये याद रखना है कि बायलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अभी हमें इन सबके बारे में पढ़ना है ठीक है। तो बाहर वाले देखो, ये यहां पर पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं। इमेजिन करो कि हमने एक एंथर को काटा है, काटने के बाद वो ऐसा दिखा, यानी कि ऐसे ये ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अगर ना देखा जाए तो ये इस तरीके से ट्यूब ट्यूब जैसे बने होते हैं, ऐसे अंदर तक जाते हैं ये इस तरीके से, क्योंकि अब बोर्ड पर तो मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ इसको ठीक है। ठीक है, तो जो यहां होगा वो यहां होगा, यहां होगा, तो मैं एक में दिखा दे रही हूं। ये जो है यहां पर पोलन प्रोड्यूस होते हैं, कहां पर पोलन प्रोड्यूस होते हैं, यहां पोलन प्रोड्यूस होते हैं। अब इस एरिया को क्या बोलेंगे ठीक है, पॉज कर वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहां पोलन प्रोड्यूस होते हैं, यहां पर भी पोलन प्रोड्यूस होते हैं, यहां पर भी होते हैं और यहां पर भी होते हैं। मैं देखो जिस तरीके से यहां होंगे वैसे यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी, सबको अलग अलग बताना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो पोलन्स क्या होते हैं, पोलन के अंदर मेल गैमेट होता है, क्योंकि हम स्टामेन पढ़ रहे हैं, स्टामेन का मतलब ही क्या है, मेल गैमेट। पोलन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये जो पोलन के अंदर अगर मेल गैमेट्स होते हैं तो मेल गैमेट तो बहुत काम की चीज है, कैसे कि यही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होके एक नया प्लांट्स तैयार करेगा, बनाएगा ठीक है। तो यानी कि ये प्लांट्स की स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा, इसका यानी कि उसकी जनरेशन जनरेशन बाय जनरेशन ये पोलन से ही है जिसे आगे बढ़ाएंगे। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस तरीके से। तो अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को तो प्रोटेक्टिव, बहुत सारी प्रोटेक्शन भी होना चाहिए उसको। तो देखिए कितनी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स लगी रहती हैं, ये पहले लेयर्स देख लेते हैं। तो ये जो लेयर यहाँ इतने एरिया में होंगी वही पूरे एरिया में होंगी, आपको ऐसे इमेजिन करके पढ़ना है। तो सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं, जैसे कि ये सबसे बाहर की लेयर, फिर उसके अंदर भी लेयर होगी ठीक है, उसके अंदर भी लेयर होगी। मैं अलग कलर से बना लूँ उसको। देखो ये सबसे बाहर की लेयर, थोड़ा सा इसको थिक बना देती हूँ मैं, ये इसके बाहर की लेयर को मैं थिक बना देती हूँ, थोड़ा अलग से देखें ठीक है। और जो अंदर की लेयर है, इसके अंदर की लेयर भी होती है एक ठीक है, इसके अंदर भी एक लेयर होती है। ओके, अब इसके अंदर भी लेयर होती है, इसके अंदर देखो मैं इस लेयर को ना ऐसे बना रही हूं ठीक है, और इसके अंदर भी एक लेयर होती है जो बाय न्यूक्लियोटाइड होती है ठीक है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो बाय न्यूक्लियोटाइड होती हैं। अब इनको लेबल कर देते हैं, देखो जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस,
एंडोथीसियम बोला है, एंडोथीसियम। इसके अंदर जो लेयर होगी, यानी कि ये ग्रीन कलर में जो दिखा रखी है वो लेयर है, उसको क्या बोलेंगे? मिडल लेयर। अब देखो मिडल लेयर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मिडल लेयर जो होगी वो एक लेयर से नहीं, मतलब वो एक से ज्यादा लेयर हो सकती है, जो मिडल लेयर है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब एक और लेयर है जिसे कैपिटल बोलते हैं, पेपिटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है गाइस। अब देखना कैसे, इसमें ये बायन्यूक्लिएटेड होती है। पहला तो ये है कि ये बायन्यूक्लिएटेड होती है। इसकी सेल्स में दो न्यूक्लियस मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं पर सिंगल नहीं, ठीक है। और डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो थ्री ये फोर लेयर मैंने इस तरीके से दिखाए, ठीक है। अब इसके सबसे अंदर फिर क्या है? ये सबसे अंदर क्या? तो ये जो सबसे अंदर में है वो है, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और सबको मिला के क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, पोलन ग्रेन्स नहीं। पहले माइक्रोस्पोर बनेंगे फिर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। कैसे? इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ओके। कैसे बनेंगे? तो देखो मैंने पहले ही ऐसे इमेजिन करवाया था आपको कि ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बनेंगे और ये, लेकिन अभी बने नहीं है, ठीक है, अभी बने नहीं है। तो यहाँ पर क्या है फिर, इसके अंदर भरा क्या है? अगर पोलन ग्रेन्स अभी बने नहीं है, बनने वाले हैं, तो इसमें यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या भरा हुआ है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ नहीं भरा है, यहाँ पर एक टिश्यू भरा हुआ है, यहां पर एक टिश्यू भरा हुआ है जिसे हम बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलेंगे यहां पर? क्या है इसको? क्या बोलेंगे इसको? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू है, अगर वो स्पोरोजीनस टिश्यू है तो इसका मतलब उसमें सेल्स भी होंगी, तभी तो वो टिश्यू है। तो एक सेल, मतलब कि एक सेल नहीं बोलूंगी, हर सेल स्पोरोजीनस टिश्यू में प्रेजेंट, हर सेल क्या करेगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। कैसे बनाएगी देखते हैं। तो इसमें से जो सेल माइक्रोस्पोर बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि कोई चीज किसी चीज को बनाती है तो उसको उसकी माँ बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कैसे बनाएगी? तो सबसे पहले वो स्वेल हो जाएगी थोड़ी सी, अपने साइज में चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। और यानी कि ऐसा नहीं है, इसमें ये सारी सेल्स है ना वो सभी एमएमसी बनेंगी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी। तो जो एक सेल जिस तरीके से माइक्रोस्पोर बनाएगी उसी तरीके से इसकी सारी सेल्स क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर बनाएंगी, राइट। तो हम एक देखो ये मैं मिटा, मतलब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद क्या करना है वो बताना है कि वो जो सेल है वो किस तरीके से बनाएगी पोलन ग्रेन्स, यानी कि माइक्रोस्पोर्स कैसे बनाएगी। तो देखो पोलन ग्रेन बोल देती हूँ मैं कभी कभी, कभी कभी बोल देती हूँ माइक्रोस्पोर बनाएगी, तो इससे मैं ना कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोस्पोर पहले बनेंगे, उन्हीं माइक्रोस्पोर में से ही पोलन, वही मतलब जब डिफ्रेंशिएट होके क्या बना लेगा? पोलन ग्रेन्स बना लेगा, ओके। चलिए हाँ थोड़ा सा और जानते हैं, ये जो लेयर्स हैं इनके बारे में ये जानना जरूरी है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं तीनों ही, और ये डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं। एंडोथीसियम क्या होती है? अपना वाटर लूज कर देती है। जब पोलन ग्रेन्स पूरी तरीके से बन जाते हैं तब एंडोथीसियम जो लेयर है वो क्या कर देती है? पूरी तरीके से अपना वाटर लूज कर देती है। इसके वाटर लूज होने की वजह से ये उसके साइड, मतलब उसके जो
साइड में जो लेयर होती है, जैसे कि ये है एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम के पास में एक और लेयर है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस क्या करेगी, एपिडर्मिस में क्रैक आ जाएंगे, फिर जब ये अपना वाटर लूज करेगी तो एंडो एपिडर्मिस में भी क्रैक्स आ जाएंगे और मिडिल लेयर में भी क्रैक्स आ जाएंगे, और उन क्रैक्स से होके जो पोलन ग्रेन्स है ना वो बाहर निकल आएंगे, यानी कि इसे बोलते हैं डेहिसेंस। तो डेहिसेंस में भी यही लेयर्स हेल्प करती हैं। ओके, टेपिटम में क्या होता है फिर? टेपिटम, टेपिटम के बारे में भी बता रही हूँ। देखो जो टेपिटम है ना, मतलब ये थ्री लेयर्स है ना, थ्री का ही में हेल्प करती हैं, थ्री हेल्प करेंगी प्रोटेक्शन में, डेहिसेंस में, बट टेपिटम जो है टेपिटम अलग ही है। टेपिटम क्या करेगी, टेपिटम में डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बाय सिक्लेटेड होता है, याद रखना है किसी भी कंडीशन में। अब ये क्या करेगी, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे उनको नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, टेपिटम, और इन सेल्स को भी कौन नरिश करेगा, टेपिटम ही नरिश करेगा। तो ये इस तरीके से हेल्पफुल होगी। ओके, तो ये इसके बारे में पूरा जान लिया आपने, और देखो ये जो हो रहा है वही यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी कि एक देखो, क्योंकि अभी जो MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस करेगी, यानी कि वो क्या अंडर को जाएगी, किसके, मियोसिस के। अगर मियोसिस करेगी तो आपको पता है कि हैप्लोइड 4 सेल बनाएगी, बनाएगी कि नहीं, तो हैप्लोइड 4 सेल अगर बनाएगी तो यानी कि 1 से 4 बनेगी, यानी कि इस स्पोरेंजियम में कितनी सारी सेल्स हैं, और वो सभी सेल्स 4-4 माइक्रोस्पोर अगर बनाती हैं, और फिर 4-4 माइक्रोस्पोर से सभी पोलन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, तो क्या होगा, बहुत सारे पोलन्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि बहुत सारे पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से एंथर के अंदर। हाँ, पोलन्स की जरूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, तो देखो या आपने ऐसा देखा, इसको देखो, अगर याद नहीं हो रहा हो तो देखो, एपी एंड मीटा से याद कर लेना, एपी एंड मीटा। एपी का मतलब होता है एपिडर्मिस, एंड का मतलब एंडोथीसियम, ए और मीटा, मी से, एम से याद करना मिडिल लेयर, और टी से याद करना टेपिटम। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये पूरा याद हो जाएगा। अब मैं इसको मिटा रही हूँ जिससे कि मैं तुम्हें आगे बता सकूँ। अच्छा रुको, मैं मिटाऊंगी बाद में, पहले थोड़ा सा मिटा लेती हूँ। कर दिया। तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है उसी में से एक सेल को मैंने यहां दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो, अच्छा इतनी सारी सेल्स हैं यहाँ पे, जितनी भी सेल्स हैं वो उन सब में यही होगा जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ओके, तो एक सेल को लिया, अब उसी सेल को बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पर बारी आती है कि क्या आपको सेल डिवीजन आता है, सेल डिवीजन का पता होना चाहिए, और वो भी माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों सेल डिवीजन के बारे में आपको टोटली पता होना चाहिए कि कब कोई चीज़, कब सेल्स हैप्लॉयड बनेंगी, कब सेल्स डिप्लॉयड बनेंगी। तो इसकी प्लॉयडी क्या होगी देखते हैं, इसकी प्लॉयडी क्या होगी, ये 2N होगी, मैं पहले से ऐसे यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये 2N होगी, यानी कि स्पोरोजीनस जो टिश्यू है यहाँ पर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है वो सभी क्या होंगी, 2N होंगी। ठीक है, अगर ये 2N है और ये अगर करती है मियोसिस तो क्या बनाएगी, ठीक है वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो ये 2N है और ये अगर कर देती है मियोसिस, मियोसिस करेगी तो फिर यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी वो N सेल प्रोड्यूस होंगी, और ये काय का प्रोडक्ट होंगी, मियोसिस का, यानी कि देखो ये 11th का है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 क्या होती है। देखो ये मियोसिस करेगी तो मियोसिस 1 ही करेगी सबसे पहले, मियोसिस 1 ही होगी सबसे पहले, तो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट है 2 हैप्लोइड सेल। ठीक है, अब ये जो है ये जो सेल है वो करेगी मियोसिस 2, मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के बाद में जो प्रोड्यूस होंगी सेल्स वो होंगी 4 सेल्स प्रोड्यूस होंगी, जो ये भी इनकी प्लॉयडी भी क्या होगी, एन प्लॉयडी। ओके, इनकी प्लॉयडी भी क्या होगी, एन प्लॉयडी होगी। अब देखते हैं, देखो ये क्या थी, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, कहां से उठाई थी हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम से, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या भरा हुआ था, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू मतलब कि सेल्स, तो उसी उन्हीं में
दिखाया है कि वो सेल क्या करेगी, किस तरीके से माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी। तो देखो किस तरीके से ये माइक्रोस्पोर बने हैं। देखो यहां पर जब ये मियोसिस वन होती है तो टू दो सेल्स बनती हैं और उनकी प्लॉयडी क्या हो जाती है, एनप्लॉयडी हो जाती है। ओके, लेकिन वो एक लेयर में ही होती है, पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुई होती है। फिर जब मियोसिस टू होता है, ठीक है, तो भी क्या होती है, यहाँ पर अभी एक जो लेयर में ही प्रेजेंट है, अभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये पूरी तरीके से सेपरेट हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये तब हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या बने हैं, ये फोर क्या बने हैं, ये बने हैं माइक्रोस्पोर। और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को बच्चे क्या समझ लेते हैं कि यही पोलन ग्रेन्स हैं, जबकि ये पोलन ग्रेन्स नहीं है, ये माइक्रोस्पोर्स हैं। देखिए यहां देखते हैं, इनको बोलेंगे टेट्राड्स, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, अब देखो ये टेट्राड्स जो है अब अलग अलग हो जाएंगे। अब यहां से एक सेल ये एनप्लॉयडी की इधर बाहर, यहां से भी और यहां से भी, क्लियर है। अभी ये जो फोर सेल्स बनी हैं, इन्हीं को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। अभी हमारा मेल गैमेट नहीं बना। ओके, अब मेल गैमेट बनाते हैं। हाँ नहीं नहीं, आप क्वेश्चन पूछो ऐसे ही। लेयर में से कैसे निकली, डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंशिएशन मीन्स और थोड़े चेंजेस हुए हैं बस, और यही चेंज हुआ है कि लेयर से बाहर आए बस। ठीक है, तो देखिए ये है फोर माइक्रोस्पोर। अब एक एमएमसी ने, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बनाए, फोर माइक्रोस्पोर्स बनाए, माइक्रोस्पोर्स। अब क्वेश्चन है कि ये माइक्रोस्पोर है तो ये पोलन ग्रेन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। अब मैं चारों के चारों को तो उठाऊंगी नहीं, मैं कोई एक ले लूंगी इधर। ठीक है, तो मैं इतना तो मिटा ही देती हूँ इसको। अब मैंने ये ली अपनी सेल एन, यानी कि ये एक क्या लिया मैंने, ये एक है अपना पोलन ग्रेन, नो माइक्रोस्पोर। ये क्या है, माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर में ऐसा क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, ये क्या बना लेगा, गैमेट बना लेगा। तो इसमें क्या होगा, ये अंडरगो करेगा माइटोसिस। अब इसमें माइटोसिस होगी, ठीक है, तो माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा, मैं इसे बना देती हूँ, इसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी, अब माइटोसिस से ये दो सेल बनाएगा, ठीक है, उनका प्लॉयडी भी क्या होगा, एनप्लॉयडी। अब देखो ऐसे नहीं होगा, लेकिन देखो माइटोसिस अंडरगो करेगा जरूर, लेकिन ऐसे नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होगा, इसमें ये सिनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं इसको। देखो ये है माइक्रोस्पोर, ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि माइटोसिस करेगा तो दो ही बनाएगा। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो माइटोसिस करेगा तो 2n बनाएगा, अगर वो माइटोसिस करेगा तो 2n बनाएगा, बच्चों को ऐसा लगता है माइटोसिस करेगा तो 2n क्या बनाएगा। माइटोसिस का तो मतलब ही इक्वेशनल डिवीजन है, अगर 2n सेल्स की माइटोसिस हो रही है तो बनने वाली सेल भी कितनी होगी, 2n होगी, और अगर n सेल की माइटोसिस हो रही है तो जो बनने वाली सेल है वो भी क्या होगी, n ही होगी, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि ये जो है इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस। ओके, अब इसके अंदर एक वैक्यूल आ जाएगा, ओके, वैक्यूल आ जाएगा। अब देखो क्या होगा कि ये है न्यूक्लियस, क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगी इसके अंदर, ओनली कैरियोकाइनेसिस, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं, कैरियोकाइनेसिस इसके बाद में साइटोकाइनेसिस भी होगी, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और वो भी कौन सा, माइटोसिस करेगा, है ना। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और ये अनइक्वल डिवीजन होगा, यानी कि एक न्यूक्लियस बड़ा और तो एक न्यूक्लियस छोटा। और अब देखो ये इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर देखो
देखो ये आपको समझ में आ गया कितनी क्या लेयर्स होती हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू में गए, स्पोरोजीनस टिश्यू से हमने एक सेल को उठाया, एक सेल को उठाया, उसको हमने क्या नाम दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या की, मियोसिस वन, मियोसिस वन से क्या बने, दो हैप्लॉइड सेल बने, जो इसने क्या की, फिर जो दो हैप्लॉइड सेल मियोसिस टू, मियोसिस टू के बाद में एक टेट्राड बना, टेट्राड में क्या थे, माइक्रोस्पोर जो सेपरेट हो गए। अब इस माइक्रोस्पोर में चारों में से मैंने किसी एक को उठाया, ठीक है, और फिर मैंने उसको यहाँ बताया आपको, अभी मेल गैमेट नहीं बने, तो अब हम मेल गैमेट बनाएंगे किसी, अब तो पोलन ग्रेन बनना चाहिए ना, पूरी तरीके से पोलन ग्रेन बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक सेल थी, मैं दोबारा बना देती हूँ उसको, ये एक सेल थी, ठीक है, जो कि इसकी प्लॉयडी है एन, ओके एन प्लॉयडी है। अब एक सेल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक वैक्यूल, ओके वैक्यूल के आ जाने के कारण ये यहाँ पर क्या करेगा, माइटोसिस, ये सेल माइटोसिस अंडरगो करेगी, माइटोसिस। तो माइटोसिस इस तरीके से होगी कुछ इसमें कि एक सेल आपको दिखाई अगर दे रही है, तो एक सेल है, इसको आप इसको मत देखो, इसको मत देखो बिल्कुल, और पूरा देखो, तो एक सेल तो ये रही, और अब इसको देखो कि एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, अब आप देख सकते हो उसको, एक सेल के अंदर दूसरी सेल है, तो यानी कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में दूसरी जो सेल है वो तैर रही है, ओके। अब यहां से आगे चलते हैं, तो इसको नाम क्या देंगे, देखो ये होगी, फिर ये वाली सेल कौन सी होगी, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, यानी जो बड़ी सेल है उसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और ये जो सेल है उसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। अब समझ में आया, वेजिटेटिव सेल क्या है, जनरेटिव सेल क्या है, ठीक है। अब यहां पर इसमें मेल गैमेट क्या है, देखो जो जनरेटिव चीज होती है वो वीक गैमेट है, तो जनरेटिव ये, यही जनन करेगी, जनन मतलब हिंदी में यही एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, ये अकेली नहीं लेकिन मतलब किसी, जैसे कि ये मेल है तो ये मेल गैमेट है, ये है मेल गैमेट, ओके, तो ये मेल है तो फीमेल गैमेट के साथ में यही फ्यूज होगा, कहने का मतलब ये है। तो फिर ये सेल क्या करेगी, तो इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब सेल भी इसी को बोलते हैं, किसको, वेजिटेटिव सेल को, क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पोलन ट्यूब बनाएगी, जब ये पोलन जो है स्टिग्मा पर लैंड होगा तब ये क्या करेगी, वेजिटेटिव सेल क्या करेगी कि पोलन ट्यूब बनाएगी, और ये तो मेल गैमेट है। अब देखते हैं ये जो कंडीशन है, आप इस कंडीशन के बारे में देखेंगे, ये अब देखो एक मियो, यहां पर जब जब तक ये बना है तब तक क्या हुआ है, एक मियोसिस हुई और एक माइटोसिस हुई अभी तक, लेकिन हमें चाहिए दो मेल गैमेट, और क्यों चाहिए अभी ये नहीं जानते, आपको बस इतना जानना है कि हमें दो मेल गैमेट्स की जरूरत होती है। एम्ब्रियो सैक में मतलब एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल होती है, एग सेल को फ्यूज करने के लिए दो मेल गैमेट की जरूरत होती है, बस इतना जान लो, क्यों होती है इसके बाद पता चलेगा, अभी आपको ये याद कर लेना कि दो मेल गैमेट की जरूरत होती है। बेटा यहाँ पर आपको सिर्फ एक मेल गैमेट दिखाई पड़ रहा है, अब क्या करें, तो देखो इसने क्या किया, इस सेल ने देखो ये पूरा मियोसिस, अब ये इसने क्या किया है, माइटोसिस, इसने क्या किया है, माइटोसिस, ये मियोसिस फिर माइटोसिस, यानी एक मियोसिस और एक ही माइटोसिस हुई है। और अब जानने वाली बात ये है कि 60% प्लांट्स में 60, तो इतना बनने मतलब कि 60% जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक माइटोसिस होगी और एक ही मियोसिस होगी। अब दो मेल गैमेट तो तब बनेंगे ना जब ये जो है ये जनरेटिव सेल है, यही मेल गैमेट है, और ये अगर एक बार और माइटोसिस करे तभी तो दो मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, 60% प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, 40% में ऐसा होता है। तो देखो क्या होता है, फिर 40% में देखो 60% तो इसको ऐसे याद रख लो कि 60% में तो यही होता है, ठीक है 60% में तो यही होता है, लेकिन 40% में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल है ना एक बार और माइटोसिस करती है, ठीक है
और फिर क्या बनता है इसमें, इसको जरा मैं इसको ना इधर बना दे रही हूँ इधर, ठीक है। तो ये एक बार और माइटोसिस होगी, एक बार और माइटोसिस होगी तो क्या होगा कि दो मेल गैमेट बन जाएंगे और ये होता है 40% में, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये अपना न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरी ये इसका न्यूक्लियस है और दूसरा दूसरी सेल ये है। अगर एक और माइटोसिस की है तो दो मेल गैमेट, ठीक है। अब हमारे पास दो मेल गैमेट है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, अब टेपिटम का रोल है, टेपिटम जो है, क्योंकि ये जो है स्टिग्मा पर पहुंचेगा और वहां से मतलब फीमेल पार्ट्स में पहुंचेगा, ओवरी में, और वहां से एक्सेल के पास में पहुंचेगा यही मेल गैमेट, तो ऐसे ही तो नहीं भेज देंगे बरात लेके। तो फिर क्या होगा, ये स्टेपिडम जो लेयर होती है ना वो क्या करेगी, इस पर कुछ लेयर चढ़ा देगी। किस तरीके से, देखो एक लेयर ये, एक लेयर ये, ठीक है, और मैं इसको मिटा लेती हूँ, आपने लिख लिया होगा, अगर और नहीं लिखा हो तो बैक करके लिख लेना, ठीक है। एक तो ये लेयर और दूसरी एक और लेयर चढ़ा देगी ये इस तरीके से, जो बीच बीच में क्या होगी, इस तरीके से, और ये कुछ ऐसी दिखती है, इस तरीके से खुरदरा खुरदरा सा बाहर से लेयर्ड हो जाएगा। अब देख रहे हो, अब कुछ में इस कंडीशन पर ये होता है, मतलब कि दो मेल, कुछ में मतलब 60% में एक ही मेल गैमेट होता है और पोलन ग्रेन बन जाता है, और 40% में क्या होता है, दो मेल गैमेट होते हैं और पोलन ग्रेन बन जाता है। तो जो इसमें हुआ है वो इसमें भी होगा, बस फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना है कि इसने अभी दो माइटोसिस कर ली है और उसने नहीं किया, ये बीच बीच में से ऐसे टूटी हुई होगी, और मैं बताती हूँ उसको भी ऐसा क्यों होगा। सेम बिल्कुल वैसा ये बन जाएगा, ये देखो, ये नहीं दिखा रही कि दो कॉलम्स बनाए, ये दिखा रही हूं कि ये जो है ना 40% ऐसा होता है, यानी कि एक मियोसिस और दो माइटोसिस कहाँ कर लेते हैं, एंथर में कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये 60% में ऐसा होता है कि एक मियोसिस और एक माइटोसिस करते हैं, एक मेल गैमेट कब जाके बनाएंगे, जब वो स्टिग्मा पर ऐसे लैंड कर जाएंगे, यहां लैंड कर जाएगा पोलन, तब यहां करेगा दूसरी माइटोसिस। तो 60% में तो ऐसा होता है कि दूसरी माइटोसिस कब होती है, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद में, और लेकिन 40% में एंथर में ही हो जाती है, दोनों माइटोसिस और दो मेल गैमेट ही जाते हैं, ओके। तो ये बना अपना पोलन ग्रेन, ठीक है। अब इसमें, अब ये देखो पोलन ग्रेन तैयार है, अब मैंने ये मिटाया क्यों नहीं था, इसलिए देखो पोलन ग्रेन्स इस तरीके से बन गए। अब इतनी सारी मदर सेल्स हैं, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, सबने
फोर फोर अगर पोलन्स बनाए हैं तो कितने सारे पोलन्स बनाए होंगे। अब पोलन्स तो बन गए, ये रहे, आप इनको इधर इमेजिन करो, ये सभी सेल्स ने बनाए तो अभी पोलन्स तो बन गए, लेकिन अब क्या होगा, ये बाहर भी तो निकलेंगे, अगर ये अंदर ही है तो क्या मतलब के हैं फिर कोई मतलब के नहीं है, ये अंदर ही है तो स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जब ये बाहर निकलेंगे तो ये जो है ना, ये वाली लेयर, अच्छा टेपिटम कहाँ चली जाएगी, तो टेपिटम, तो टेपिटम, अरे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गई, देखो बेटा ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बाहर की लेयर है इसको बोलेंगे एग्जाइन, एग्जाइन और एंटाइन, अंदर वाली लेयर को, एग्जाइन के अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एंटाइन, और एग्जाइन के बाहर वाली लेयर को बोलेंगे एग्जाइन। तो ये याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, तो ये है एग्जाइन, जो बाहर वाली लेयर है ना वो है एग्जाइन, और जो एग्जाइन के अंदर वाली लेयर है उसे बोलेंगे एंटाइन, जो अभी बनी थी, जो मैंने, ये जो एग्जाइन और एंटाइन किसने बनाई है, टेपिटम ने बनाई है, तो टेपिटम तो यहाँ रहेगी ही नहीं। अब ये जो थ्री लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर, ये जो लेयर्स हैं वही पोलन ग्रेन को बाहर निकलने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो एग्जाइन है ना, एग्जाइन वो जो लेयर होती है स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है, काय की बनी होती है, स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है। तो जो स्पोरोपोलोनिन, जो भी मैटर है स्पोरोपोलोनिन, आज तक उसे कोई डैमेज नहीं कर पाया। कैसे, कि जैसे अलकली हो तो बहुत ज़्यादा, कुछ अलकली हो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ पर पड़ जाए तो वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है स्पोरोपोलोनिन का। और या फिर बहुत ज़्यादा कुछ एसिडिक हो तो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बिल्कुल भी क्या नहीं होती, डैमेज नहीं होती। इसीलिए यहाँ बीच बीच में ये टूटी हुई है, क्यों, क्योंकि अगर ये मेल गैमेट बाहर आउट होगा तो कहाँ से आउट हो जाएगा, ये तो लूज लेयर होती है और सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कौन सी, जो एंटाइन है ना वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जगह नहीं है मैंने ऐसे लिख दिया है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कौन सी, अंदर वाली लेयर जो एंटाइन है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, लेकिन स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है एग्जाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है, ये बहुत हार्ड लेयर होती है। बहुत सालों पहले फॉसिल्स में भी हमें क्या मिले हुए हैं, पोलन्स मिले हुए हैं, तो क्या किया है उन पोलन्स का, कि फिर स्टिग्मा पर जब लैंड करवाया है तो हाँ जो फ्रूट है ना प्रोड्यूस हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, और कई हजारों सालों पहले दब गया फॉसिल्स में मिला पोलन, उसके बावजूद भी वो, उसकी जो बायबिलिटी थी ना वो बरकरार थी, मतलब वो खराब नहीं हुआ था। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न है स्पोरोपोलोनिन, स्पोरोपोलोनिन की वजह से ये जो पोलन है बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ इतने सालों के बावजूद भी। तो गाइस अभी देखो, आप ये देख सकते हैं कि ये पोलन है ना वो कितना प्रोटेक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है, बायबिलिटी हर पोलन की एक जैसी नहीं होती। जैसे अगर वीट राइस को देखा जाए तो उसकी जो बायबिलिटी होती है ना वो कम होती है, लेकिन जो रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, और भी है एनसीईआरटी में आपकी में मेंशन है, ये रोजेसी भी है, लेग्यूमिनेसी और एक कोरासोलनेसी, तो ये जो फैमिली है ये, इनकी बायबिलिटी मंथ तक रहती, कई मंथ तक रहती है, यानी कि महीनों तक, जो एक बार पोलन बाहर आ गया तो महीनों तक वो एक्सेल को फर्टिलाइज कर सकता है, उसकी इतनी अच्छी बायबिलिटी रहती है, कुछ की कम रहती है तो कुछ की ज़्यादा रहती है। तो ये जो है ऑल ओवर द स्टामिन के बारे में है, और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, मतलब समझ में कुछ अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकूं उसको। तो ये था ऑल ओवर स्पोरोपोलोनिन, ये इसके बारे में, पोलन्स के बारे में, अल्टीमेटली हमारे पोलन्स है ना वो बन चुके हैं, अब ये यहाँ से डेहिसेंस होके बाहर निकल आएंगे, और बाहर निकल के फिर ये स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। अब स्टिग्मा पर कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, यस अब पोलन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना है मतलब कि पॉलिनेशन होना, लेकिन ये तो हमने क्या बनाया है, मेल गैमेट है, अभी फीमेल गैमेट बनाना भी तो बाकी है। तो ये है ऑल ओवर, अब देख सकते हो, चाहो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लो।
गाइस ये जो एंटाइन है वो स्पोरोपोलन की बनी होती है, एक्जाइन है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। स्पोरोपोलन की बनी हुई जो एक्जाइन है ना वो बीच बीच में टूटी हुई रहती है। क्यों होती है टूटी हुई? कि अगर मेल गैमेट बाहर आएगा तो इसको तो कोई तोड़ भी नहीं सकता है, तो मेल गैमेट बाहर आएगा उसके लिए थोड़े थोड़े उसमें जग गैप रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? जर्म पोर। ओके, तो ये है ऑल ओवर द स्टामेन। आखिरकार हमारे मेल गैमेट प्रोड्यूस हो गए और ये इसको पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे पोलन ग्रेन। दिस इज अवर मेल गैमेट। अब एक और बात आती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, तो क्या है हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या है? मेल गैमेटोफाइट क्या है? मेल गैमेटोफाइट तो हमारा, देखो फाइट का मतलब है यहां पर बनना, तो मेल गैमेट किसने बनाया है? पोलन ग्रेन ने बनाया है। ये क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो मेल फाइट का मतलब है बनाया किसने, बनाया किसने, यानी कि ये मेल गैमेट बनाया किसने, तो मेल गैमेट बनाया है पोलन ग्रेन ने, तो पोलन ग्रेन ही हमारा क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। ओके, और क्या है ज़ोमपोर? क्या एग्जाइन है, क्या एंटाइन है, एपिडर्मिस, एंडोथीशिया, मिडल लेयर, टेपिटम, ये क्या है? ये सारी चीजें मैं क्लियर कर चुकी हूँ किस तरीके से बना, कितनी म्यूजन हुई और कितनी माइटोसिस हुई, ये सब कुछ क्लियर है आपके सामने। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और समझ में नहीं आने पर आप मुझे कमेंट में लिख कर दे सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि आपका डाउट क्लियर कर दूं। थैंक यू सो मच।